ओके, चैप्टर क्या कह रहा है? चैप्टर का नाम ही है रैशनल और इरेशनल नंबर। रैशनल जो हमें रैशनल लगे, ठीक है, जो तर्क हो, तर्कपूर्ण हो, इरेशनल जो तर्क ना हो, ठीक है। अब रैशनल का बेसिक डेफिनेशन जो स्कूल में पढ़ाया जाता है वो हम देख लेते हैं कि कोई भी नंबर, एनी नंबर, सबको स्टार्ट कर रहे हो, कोई भी नंबर अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में हो और पी और क्यू दोनों क्या हो, इंटीजर्स हो, क्या हो, इसको पढ़ते हैं पी एंड क्यू बिलोंग्स टू, इसको पढ़ते हैं बिलोंग्स टू इंटीजर, कोई जरूरी नहीं है जाना कैसे। पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर, बस ध्यान क्या रखना है, क्यू बस जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीरो भी तो इंटीजर है, बस डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी नंबर इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो कुछ नहीं, रैशनल नंबर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी, जैसे कि फाइव, जो 2/3 एग्जांपल है, तो पी एफ की दोनों इंटीजर है, ये जीरो नहीं है तो ये भी रैशनल नंबर है। फाइव, फाइव का रैशनल नंबर है, हाँ बिल्कुल है, क्योंकि हम लोग फाइव को हम लोग बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसे, 5/5, दोनों देखो इंटीजर है और ये जीरो के बराबर नहीं है। -7 भी एक रैशनल नंबर है, ठीक है, इसको हम ये भी बोल सकते हैं, -7 से इंटीजर भी है, ठीक है, रैशनल नंबर है, जितने भी फॉर्म है सभी क्या है, रैशनल नंबर फॉर्म। अच्छा, क्या ये रैशनल नंबर होगा 1/0? बिल्कुल नहीं, ये दोनों इंटीजर तो है लेकिन नीचे क्या है, जीरो, वही कंडीशन है, बस टू क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब जो डिनोमिनेटर में है वो जीरो नहीं होना चाहिए, ये है मेरा रैशनल नंबर। हम लोग जो इस चैप्टर में, तो पहली बात रैशनल नंबर जानेंगे, फिर हम लोग ये जानेंगे कि दो नंबर के बीच में कितने रैशनल नंबर, वो पूछेगा निकालने, 5 हो 10 हो 15 हो, वो पूछेगा। पहला एक्सरसाइज तो यही है, हम लोग इसका रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे कि नंबर रन में कैसे रिप्रेजेंट कर सकता है रैशनल नंबर को। फिर उसके बाद वाला जो एक्सरसाइज होगा वो होगा इरेशनल नंबर, ठीक है। सबको सुन रहे हो? यस सर, यस वेरी गुड। तो यही है, पहले बात तो रैशनल के बारे में जाना, फिर रैशनल नंबर को हम लोग नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना सीखेंगे, है ना। और उसके बाद हम लोग दो रैशनल नंबर के बीच में, क्योंकि अनंत रैशनल नंबर हो सकता है, वो निकालना सीखेंगे। अगला एक्सरसाइज होगा वो होगा इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर को प्रूफ करने तक सीखेंगे। आज हम लोग उतना क्लास करेंगे, मतलब पहला एक्सरसाइज है, दूसरा एक्सरसाइज हम लोग इस आपके बुक का नाम जो एम एल अग्रवाल है उसको पूरा करेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहले तो हो गया रैशनल नंबर का डेफिनेशन। आप लोग सबको एक नोटबुक लेके बैठे हो, पेन, यस सर, हाँ, और एकदम लिखना स्टार्ट करो, चलो लिखो। हम बोलेंगे तभी लिखना, अभी जैसे जैसे बोलते जाएंगे वैसे वैसे लिखते मत रहना। पहले हम 10 मिनट पढ़ाएंगे, सुनना, फिर बाद में लिखना, लिखने का टाइम देंगे। ये मेरा रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। लिया सब लोगों ने, ठीक है, चलिए, आई होप सबने लिख लिया होगा। हाँ बोलिए। हाँ नहीं सर, बोल रहे लेकिन नहीं है, तो एक चीज ध्यान देखो, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए रैशनल नंबर है 1/2, 1/2 को हम लिख सकते हैं 2/4, देखो तो लिख ही सकते हैं। सिमिलरली ऐसा कुछ भी है, एनीथिंग, कुछ भी नहीं है, सर लाइट कोई से लिटिल, दिखती है। देन डू कांटेक्ट दिस नंबर। नहीं सर, वो लाइट पड़ रहा है ना, अच्छा, लाइट लाइट का इशू है ना, ठीक है, ठीक है। आज फर्स्ट क्लास है, थोड़ा सा सर हिकअप्स कुछ दिख होगा, नहीं रहा है सर लाइट के कारण। करेंगे
पर ऑडियो प्रॉब्लम नहीं है, जो लाइट है ना बोर्ड पर पड़ रहा तो दिखाई नहीं मिल रहा है, दिख नहीं रहा। वही वही हां, लाइट तो मेरा ट्यूबलाइट उधर ही है। देखो ऐसा ऐसे हम नीचे लिखेंगे, नहीं यहाँ से हम नीचे लिखते हैं, कल से हम कुछ करेंगे ठीक है, लाइट का भी प्रॉब्लम ना हो, रिफ्लेक्शन हो रहा था। ओके तो 1/2 को हम बहुत फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन जब हम लोग इसको डेफिनेशन बोलते हैं P by Q, तो उसमें एक चीज हम लोग जरूर बोलते हैं, P और Q का जो कॉमन फैक्टर है ना वो मात्र सिर्फ 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। देखो इसमें कॉमन फैक्टर देखो 9/18 को 1/2 तो लिख सकते हैं, लिख सकते हैं है ना, इसको बस फॉर्म बदला है 9 को। फिर देखो दूसरे तरीके से इसको कैसे देखो, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखो तो 3 × 4 इसको लिख सकते हैं, देखो 3 × 6 तो इसमें देखो कॉमन फैक्टर देखो 3 आ गया ना, तो जब हम वो नहीं आना चाहिए। तो जब हम लोग कोई भी रैशनल नंबर को पी बाई क्यू के टर्म में डिफाइन करते हैं, तो पहला जो होता है बेसिक डेफिनेशन, P और Q दोनों इंटीजर होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है? Q 0 नहीं होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन भी है जो बच्चे भूल जाते हैं, वो होना चाहिए कि जो कॉमन फैक्टर है P और Q का मात्र 1 होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ भी नहीं होना ठीक है। जैसे कि देखो इसका मतलब जब P बाई क्यू लिख रहे तो वो लोवेस्ट फॉर्म में कट के होना चाहिए ठीक है। इसे देखो पूरा कटा नहीं है, इसलिए यही सही है, कुछ भी नहीं होना। ये तीसरा कंडीशन, कॉमन फैक्टर ऑफ इज 1 ही होना चाहिए, 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो जब भी कोई भी रैशनल नंबर को जो P by Q को डिफाइन करते हैं, ये तीनों कंडीशन होना चाहिए। ये वाला कंडीशन कब का मात्रा, ये वाला कंडीशन जब आज हम पढ़ाएंगे कोई भी नंबर को इरेशनल प्रूफ करने में, उसमें ये काम आता है ठीक है। ओके कंडीशन लिख लीजिए, कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू इज 1, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं, इसको ये भी बोल सकते हैं पी एंड क्यू आर को प्राइम, पी एंड क्यू आर को प्राइम। को प्राइम मतलब जिसका कॉमन फैक्टर मात्र क्या हो? 1 हो, अगर आपको याद है तो 8 क्लास में पढ़े होगे तो ठीक है, इसको हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं। ये दिख रहा है सबको नीचे? ये सर दिख रहा सर ठीक है। ओके ओके मतलब कुछ नहीं, इसका मतलब ये कि लोवेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, कटा होना चाहिए तीनों कंडीशन। एक बार लिख लीजिए, हो गया मेरे ख्याल से ठीक है, मिटा दो। डोंट वरी, अब देखिए अब नंबर लाइन है, कोई भी नंबर लाइन में बीच में 0 हो गया, इधर पॉजिटिव इंटीजर इधर नेगेटिव इंटीजर ठीक है, 1 2 3 ऐसे चलता गया, ऐसे -1 -2 -3 ठीक है। अब ये सभी है, ये रियल नंबर इसको बोलते हैं, इसमें रियल नंबर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें रैशनल और इरेशनल दोनों इस नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ठीक है, इसलिए इसको रियल नंबर बोलते हैं। रियल नंबर दो टाइप का होता है, रैशनल और इरेशनल। तो सबसे पहले हम लोग रैशनल नंबर को इसमें रिप्रेजेंट करना सीखेंगे, क्या सीखेंगे जी? रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको बोलेगा 1/2 रिप्रेजेंट करें, 1/2 की क्या है 0.5 ही है, 0.5 मतलब किससे किसके बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा ठीक है। या फिर इसको दूसरे तरीके से ये कह सकते हैं कि आपको ये दिख रहा है ना ये 2 2 2, इस पूरा को आप लोग दो दो में पार्टिसिपेट कर देना, ये एक नंबर को दो दो में डिवाइड कर देना है,
दो बराबर हिस्सा, एक दो एक दो एक दो, ठीक है। इसका मतलब कैसे हो गया, जीरो बाय टू हो गया, ये देखो ये हो गया वन बाय टू, ये इसको फिर क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे टू बाय टू, अगला क्या हो जाएगा थ्री बाय टू, फिर क्या हो जाएगा फोर बाय, इसको कहेंगे थ्री बाय टू, इसको कहेंगे फोर बाय टू। देखो फोर बाय टू कट के अल्टीमेटली टू हो जाएगा ना, टू बाय टू अल्टीमेटली कट के वन हो जाएगा ना, कोई दिक्कत? तो मतलब हम लोग डिनोमिनेटर देख के उधर से पार्टीशन करेंगे, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है, रिप्रेजेंट करना सिखा रहे हैं हम लोग, अभी रिप्रेजेंट करना सिखा रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगला प्रश्न है, आपको ये रिप्रेजेंट करना है फाइव बाई थ्री, तो आपको अभी एक सेंटीमीटर जो है कितना हिस्सा बांटेगा, तीन बराबर हिस्सा बांटेंगे, ठीक है। फाइव बाई थ्री अल्टीमेटली रिप्रेजेंट हो जाएगा, जीरो है, वन है, टू है, थ्री है, कितना हिस्सा बांटना है, तीन बराबर बराबर हिस्से में बांटना है। तो एक दो तीन हो गया ना, एक अब बताइए तीन बराबर बराबर ये क्या होगा, जीरो बाई थ्री, जीरो बाई थ्री ये क्या हो जाएगा टू बाई थ्री, ये क्या हो जाएगा थ्री बाई थ्री, थ्री बाई थ्री बनेगी बने, वेरी गुड। अगला क्या हो जाएगा फोर बाई थ्री, फिर क्या हो जाएगा फाइव बाई थ्री, यही मेरे को रिप्रेजेंट करने से बोल देगा फाइव बाई थ्री। तो जो नीचे दिया होगा उस हिसाब से हम लोग पार्टीशन कर लेंगे। मान लीजिए फाइव बाई सिक्स भी दिया तो कितने बराबर हिस्से बांटेंगे, छह हिस्सों में, एक दो तीन चार पाँच छह, ठीक है, वो हो जाएगा रिप्रेजेंट करना, ठीक है, ओके। इसको लिख लीजिए जल्दी, इसको इसका टॉपिक दीजिए रिप्रेजेंटेशन, वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर ऑन रियल ऑन नंबर्स, जो भी नहीं है। अगर मान लीजिए दे पता तो इसमें नाइन नाइन बाई थ्री, टेन बाई थ्री बोलेगा तो चलते जाएंगे, ठीक है। टेन बाई थ्री कितना, फाइव बाई थ्री, सिक्स बाई थ्री, सिक्स बाई थ्री टू होता कि नहीं, सेवन बाई थ्री। सर वीडियो क्लियर नहीं है, सर वीडियो क्लियर नहीं है आ रहा है। सर वीडियो क्लियर नहीं है सर। अच्छा अच्छा एक बार आप लोग क्या करो ना, नंबर पे कॉल करो तो मैं ऊपर लिखा हुआ 9472765950, ठीक है। एक बार कुछ सेटिंग होता है, एक बार आप पूछ लीजिए कैसी वीडियो क्लियर आएगा, होता है, ठीक है। कुछ ऑडियो ऑफ किया बोला जाता है, आपको भी ठीक से पता नहीं है ऑडियो क्या ऑफ करने बोलता है ताकि तब क्लियर आता है। टेन बाई थ्री अगर बोला है तो टेन बाई थ्री तो मुझे दिख रहा है, ये नाइन बाई थ्री है कि नहीं, नाइन बाई थ्री हो तभी तो कट के थ्री आता था, अगला क्या हो जाएगा, जल्दी लिख लीजिए, नेक्स्ट क्लास से ऐसा दिक्कत नहीं होगा। कितने पार्टिसिपेंट्स हैं क्लास में देखो तो, ठीक हो, सभी आईसीसी बोर्ड है, रफ कर रहे, ठीक है, तो लिखो अभी लिखो, दो मिनट दे रहा हूँ, सर रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, हाँ हाँ डोंट वरी डोंट वरी, कोई हरी अप करने की जरूरत नहीं है। आपको पार्टीशन डिनोमिनेटर करना, बस इतना याद रखना, एग्जाम में पूछेगा नहीं।
रफ करता हूं मैं. ओके ठीक है धीरे धीरे. अब ध्यान देना आप ठीक से. ठीक है लिखना अपना मत अभी टेंशन मत लो. टाइम देंगे. एक दो नंबर लाइन के बीच में दो रैशनल नंबर के बीच में कोई भी दो रैशनल नंबर हो जैसे कि यही देख लो. मान लीजिए 5/3 है ये 7/-5/3 है 7/4 है कोई भी दो रैशनल नंबर जिसको मैं नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ. इन दो रैशनल नंबर के बीच में अगर पूछेगा कितने रैशनल नंबर तो आंसर होगा इनफाइनाइट. दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट होता है. यही आपको कोई क्वेश्चन होगा कि दो रैशनल नंबर दे देगा इसको मुझे बोलेगा दो ठो निकालिए तीन ठो निकालिए पांच ठो निकालिए दस ठो निकालिए क्योंकि इन दोनों रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर है. दिख नहीं रहा ये नंबर दिख रहा है इनफाइनाइट है ऐसे कितना भी हो सकता है. देखो 5/9 देखो तो 5/9 इसे छोटा है कि नहीं. इन दोनों के बीच में होगा ना 5/9 सॉरी -5/9 -5/29 -5/79 कुछ भी नंबर दे दो इस दोनों के बीच में ऐसा आते जाएगा. तो 1/9 यही होगा यही कहीं होगा 1/99 इन दोनों के बीच में होगा. चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा. इसलिए दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं. एक पॉइंट क्या आया जी देर आर एक पॉइंट आया नोट करने वाला मैं लिख देता हूं. लिखेंगे देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर. ठीक है कोई भी दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं. ठीक है तो एक दो एग्जांपल लेते हैं. जैसे कि एक क्वेश्चन है आपका बुक का ही है. ठीक है जैसे कि एक क्वेश्चन होगा जैसे 2/9 है एक क्वेश्चन है एक है 2/9 है और है क्या जी 2/9 है और 3/8 है. तो इसको बनाने का दो अप्रोच होता है दो अप्रोच होता है. ठीक है एक तो ये होता है कि इसके नंबर में कितना मांग रहा है जैसे ये वाले क्वेश्चन में तो एक ही मांग. जब एक मांगे तो कुछ नहीं करना है इन दोनों को जोड़ देना है और बाद में क्या करते हैं डिवाइड बाय टू दैट्स इट. इन दोनों को जोड़ के क्या करते हैं डिवाइड बाय टू. फॉर एग्जाम्पल देखो कुछ नहीं ऐसे दिख रहा सबको कोई दिख रहा है बोलो. ये हो गया जीरो. हाँ दिख रहा है सर दिख रहा है. अब 2/9 और 3/8 अगर तुम 2/9 देखोगे तो होता है 0.2 ऐसे देखो 1 हो गया इधर 2 हो गया 3/8 इधर ही कहीं होगा दोनों का वैल्यू दिख रही होगा. एक अपने से लेते हैं कोई भी यहां से हम लेते 2/9 ठीक है और यहां पर है 3/8. तो इन दोनों नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर है कि नहीं है कुछ नहीं करना. अगर एक जब भी बोला फाइंड द वन रैशनल नंबर अब क्या कर देना इन दोनों को जोड़ देना डिवाइड बाय कर देना सिंपल. तो वन रैशनल नंबर बोलेगा मान लीजिए एक रैशनल नंबर बोला क्या करेंगे जी दोनों को जोड़ देंगे और किसे डिवाइड करेंगे डिवाइड बाय टू. बहुत इजी है ये कितना हो गया जी 72 18 ये हो गया आपका 27 इन दोनों का एलसीएम लिए तो हो गया 72 और नीचे का 2 आ गया दोनों को जोड़ दिए ये हो गया आपका 43/144. ठीक है अब एक बोला ठीक है तो ये क्या हो गया यहाँ 2/7 ये 9 है 3/8 है इन दोनों का बीच में हो गया 45/144. ठीक है अगर मान लीजिए आपको एक और बोले रैशनल नंबर निकालना तो क्या करो अगला क्या करोगे कुछ नहीं इसको और किसको जोड़ेंगे इसको इन दोनों को जोड़ेंगे डिवाइड बाय क्या कर देंगे 2. ठीक है और बोला निकालना है तो फिर इन दोनों को जोड़ेंगे 45/144 और 3/8 को जोड़ देंगे डिवाइड बाय क्या कर देंगे 2. तो जब ऐसे दो तीन निकालने बोलेगा तो आपको यही करना है दोनों को जोड़ देना डिवाइड बाय क्या कर देना है 2. ठीक है लेकिन जब ज्यादा बोले फॉर एग्जांपल 5 बोले 10 बोले 16 बोले तब क्या करेंगे वो हम बताते हैं. अभी तो सिंपल है कि दो ही निकालना था. ठीक तो लिख लीजिए
सर बोलो सर 43/144 होगा 43 से 18 ना अच्छा 16 होगा 16 18 कर दिया ठीक है समझ में आ रहा सबको हेलो आवाज ही थोड़ा हेलो यस सर लिख लीजिए इस तरह से अगर और भी क्वेश्चन है फॉर एग्जांपल अभी इसको लिख लीजिए इसको आप लिख लीजिए उसका और क्वेश्चन लेंगे और 5 को निकालेंगे 10 को निकालेंगे 16 को निकालेंगे तब क्या बार बार ये करेंगे बार बार ये नहीं करेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा कठिन हो जाता है दूसरा अप्रोच है और बहुत अच्छा अप्रोच फर्स्ट अप्रोच क्या है जी दुनिया को ब्रोड के डिवाइड बाय 2 कर देना है जैसे लिखना हो गया तो हमको बोल देना हो गया सर लिख लिए हाँ ऐसे ही बोल लिख लिए सर आदि लिख लिया हाँ अब देखिए अब मान लीजिए क्वेश्चन है जैसे कि ये है ये क्वेश्चन है जैसे कि 3/5 जैसे मैं यही क्वेश्चन छोटा ये क्वेश्चन है 3/5 और 7/8 इस दोनों के बीच में अगर क्वेश्चन पूछा मान लीजिए 5 रैशनल नंबर निकालना तो बार बार ये मत करना दोनों को जोड़ना डिवाइड बाय टू ये भी कर सकते नहीं तो मैं खराब लंबा हो जाएगा सबसे और भी अच्छा तरीका क्या है अब देखो कुछ नहीं करना इन दोनों का एलसीएम लेना 5 और 8 का एलसीएम लेना कितना आ गया जी एलसीएम ऑफ 5 और 8 40 इन दोनों का मल्टीप्लाई 40 ठीक है तो आप उसको डिनोमिनेटर 40 करना है इसको भी 40 करना ठीक है इसको 40 करने के लिए क्या करेंगे जी 3/5 को नीचे 40 करने के लिए किसे मल्टीप्लाई करें 8 से तो ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई कर दो इसको इसको क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर ही 5 से मल्टीप्लाई कर दो देखो ऊपर कितना हो गया जी 24/40 ये कितना हो गया जी 35/40 अब ध्यान से देखो नीचे तो सेम है क्या हम 24 और 35 के बीच में 5 नंबर नहीं निकाल सकते हैं बिल्कुल निकाल सकते ये तो नंबर लाइन में दिख रहा है नंबर लाइन में 24 इधर कहीं होता है 35 इधर इन दोनों के बीच में कितना नंबर है 10 नंबर अवेलेबल है 10-11 नंबर बस कुछ भी ले लो इसके बीच में अगर 5 रैशनल नंबर निकला तो कोई बात नहीं कोई भी दुखा अब इसे जगह लो 25/40 अगला क्या आ जाएगा 26/40 फिर 27/40 28/40 और 29/40 ठीक है ये आंसर हो गया बस सिंपल है ये ज्यादा आसान तरीका है आप क्या करें एलसीएम दोनों का डिनोमिनेटर को सेम करना है और जो ऊपर में आया न्यूमिनेटर में दोनों का डिफरेंस उतना डिफरेंस में निकाल ले दस को बोलेगा तब भी आसान है बस जो काटते हैं अल्टीमेटली आंसर लिख देना काट के जो कट रहा है ये कट रहा है 5/8 ये जो कट रहा है जो नहीं कट रहा तो कोई बात नहीं ये कितना कट रहा है जी ये कट रहा है 13 बार में या 20 बार में ठीक है ये कट रहा है नहीं कट रहा है जो कट रहा है बढ़िया जो नहीं कट रहा है कोई बात नहीं ये 2 बार कट रहा है टू से कट रहा है ये जो नहीं कट रहा ये हमारा फाइनल अल्टीमेटली आंसर होगा सर काटना जरूरी है हां लिख दो कोई बात नहीं अगर टीचर ठीक है सर ठीक है लिख लिया वेरी गुड एक क्वेश्चन अपने से करो तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं ये -1/3 और 2/7 इन दोनों के बीच में हम लोगों को 8 रैशनल नंबर निकालना है कितना 8 हर बहुत से 21 3 7 8 रैशनल नंबर निकालना -1/3 और 2/7 क्या करेंगे सिंपल है डिनोमिनेटर सेम करेंगे मतलब एलसीएम लेंगे 21 तो आपको इसको भी 21 करना है 7/21 दोनों करना और दोनों के बीच हम लोग को 8 रैशनल नंबर निकालना ठीक है 6 6 7 3 6 अच्छा
सर आ गया तो आप लोग कुछ सोचते हो क्या किया हमें इसको 21 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई सेवन से ऊपर अगर हमारे सेवन इसे और 21 क्या आ गया सिक्स बाय 21 हाँ ये वाला है अब इन दोनों के बीच में हम कितना नंबर चाहिए आठ नंबर चाहिए ना आठ माइनस सिक्स बाय 21 माइनस सिक्स नहीं प्लस होगा हाँ मतलब इधर होता है सिक्स किधर होता है इधर होता है डिनोमिनेटर सेम है बस इन दोनों के बीच में आठ नंबर चाहिए तो कौन कौन रहेगा माइनस सिक्स हो जाएगा माइनस फाइव माइनस फोर माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन फिर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स इन दोनों को नंबर करके बाइट करना कितना का 21 21 माइनस फाइव बाई 21 माइनस फोर बाई 21 माइनस थ्री बाई 21 माइनस टू बाई 21 एक्सपेक्टेड बहुत अच्छा ठीक है बहुत आसान हो गया ये आप लोग देखना अपना बुक में निकालना 1.1 एक्सरसाइज खाली यही है हाँ सर अपना बुक में पहला एक्सरसाइज निकालोगे ना ये दो रैशनल नंबर की इंसर्ट करने वाला ही क्वेश्चन है बस ठीक है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर वो भी यही असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर अगर यही ऑर्डर में बोल देगा तब्दील करने तो देख रहा हूँ कौन ये बड़ा है ना तो ये बड़ा हो जाए बड़ा तो ये हो रहा है ना माइनस फाइव तो माइनस सिक्स से बड़ा है तो अगर और डिसेंडिंग ऑर्डर बड़ा से छोटा कर रहा हूँ तो क्या करोगे ऐसे ठीक है यह ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर ये वाला ऐसे बड़ा है ये वाला ऐसे बड़ा है ये वाला ऐसे बड़ा ठीक है बताओ कुछ नहीं है तो पहला एक्सरसाइज 1.1 तो यहीं पे समाप्त तो हो जाता है आसान है यस सर अब अगला एक्सरसाइज है वही बच्चा लोगों को थोड़ा क्योंकि थोड़ा थ्योरेटिकल है लेकिन हम इसको बहुत ही आसान वे में ट्राई करेंगे बनाने ओके कोई डाउट नहीं लिख लीजिए कल सबको लिख लिया होगा लिख लीजिए सर सेकेंड जंप करेंगे और ये वाला है इरेशनल क्या है जी इरेशनल नंबर तो इरेशनल नंबर का डेफिनेशन बोलेगा क्या कुछ नहीं जो रैशनल का बोला था उसका बस उल्टा मतलब रैशनल क्या बोला था पी बाय क्यू के फॉर्म में होना चाहिए बोलेंगे सर पी बाय क्यू के फॉर्म में नहीं होना चाहिए ठीक है और ये जो बेसिक डेफिनेशन है रैशनल का ठीक है उल्टा कर देना है cannot be expressed in the form of p by q p or q integer hai q zero nahi hona chahiye aur p or q mein koi factor nahi hona chahiye 1 ke alawa except 1 theek hai to jo rational number ka definition hai wahi rational kya kar dena wo bas nahi kar dena na 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 bas uska ulta kar dena theek hai okay to ab ab ek theory hai theorem theorem mein likh deta hu theorem kya hai bhai क्योंकि आपको ये वाला जो एक्सरसाइज है ना इसने आपको बोलेगा मुझे बताइए अंडर रूट ये रूट टू इरेशनल है ये आपको प्रूफ करने बोला क्या बोलेगा रूट टू इरेशनल इरेशनल है कि नहीं है ठीक है इरेशनल का डेफिनेशन yes. तो मैंने ये रूटी का बता दिया एक दूसरा हम डेफिनेशन बताते हैं कि इरेशनल नंबर जब होता है ना जब इसका हम लोग लॉन्ग डिविजन मेथड से हम लोग को कैलकुलेट करते हैं याद रखना इरेशनल होता है नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो कभी खत्म ही नहीं होगा डेसिमल के बाद ठीक है और नॉन रिपीटिंग मतलब कभी भी रिपीट नहीं करेगा फॉर एग्जांपल देखो तो 1/3 क्या है रैशनल नंबर है पी बाय क्यू के फॉर्म में है और दोनों इंटीजर है ये जीरो भी नहीं है दोनों कॉमन फैक्टर खाली वन
तो देखो, तो अगर इसको तुम डेसिमल फॉर्म में लिखेगा तो ये निकलता है 0.33333 चलते गए चलते गए चलते गए। तो जब आपको ये दिया है तो देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग है ना, मतलब कभी खत्म हो रहा है, एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो एग्जैक्टली डिवाइड तो नहीं हो रहा, लेकिन एक चीज हो रहा है, रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो अगर कोई चीज रिपीट कर रहा है और नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है तभी वो भी मेरा क्या होता है? रैशनल नंबर होता है। क्या होता है? रैशनल नंबर। लेकिन इरैशनल में नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ क्या होना चाहिए? नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसका एक सरल एग्जांपल दिए देते हैं। जैसे कि देखो 0. जैसे क्या करें, अगर मान लिया ऐसा क्वेश्चन हुआ 0.21 .. तो देखो नॉन टर्मिनेटिंग तो है, मतलब चलता क्या, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, लेकिन ये रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है 21 21। अगर ये रिपीट हो रहा है तो वो क्या होगा? मेरा रैशनल नंबर। क्या होगा? मेरा रैशनल नंबर। लेकिन यही क्वेश्चन कुछ ऐसा होता तो 0.21 2 1 1 2 1 1 1 ऐसे 2 ऐसे 2 3 4 समझ रहे हो? क्या ये रिपीट हो रहा है? टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है, चलता गया। क्या रिपीट हो रहा है? रिपीट भी नहीं हो रहा। 21 है, 211 है, इतना बड़ा है, बढ़ता गया। रिपीट हो रहा है? नहीं। तो अगर कोई चीज रिपीट नहीं हो रहा, टर्मिनेट भी नहीं कर रहा, वो क्या हो जाएगा? मेरा इरैशनल। ये है इरैशनल का डेफिनेशन। ठीक है, ये रैशनल का डेफिनेशन। रैशनल रिपीट करेगा, इरैशनल नॉन रिपीट करेगा। ठीक है, तो लिख लीजिए। हम लोग अब हम लोग इस एक्सरसाइज में क्या करेंगे? इरैशनलिटी को प्रूफ करेंगे। बताइए भाई, रूट टू इरेशनल आपको प्रूफ करना है। रूट टू को अगर तुम लोग जानता होगा डेसिमल वैल्यू, लॉन्ग डिजिट मतलब जानता ही नहीं आता है, वो भूल जाता है। ऐसे रखते थे, यस सर, जीरो करते हैं। ठीक है, एक दो ऐसे चलता गया यहाँ डेसिमल, याद है, 1 1 जा 1 जो यहाँ रखा वहां ऐड करते थे, 2 0 दे दिया, ये 4 देंगे, यहाँ डेसिमल क्योंकि आ गया तो 4 हो गया। ऐसे तरह से चलता जाएगा, याद आ रहा है? ठीक है, फिर 1 आ गया। देखो कभी भी ये रिपीट नहीं करेगा, टर्मिनेट तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो रूट टू का वैल्यू 1.4 ऐसे ऐसे 3 2 5 ऐसे चलता है। ठीक है, इरेशनल है, कुछ नहीं है। उसी तरह पाई भी मेरा इरेशनल है। पाई का वैल्यू होता है 3.14 फलाना ढिकना चलता गया। कभी भी रिपीट नहीं होता है। लोग यहाँ तक कि लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आता भी है कितना डेसिमल वैल्यू के बाद याद किया है, लोग 1000 2000 5000 तक याद करता है, कभी रिपीट नहीं होता है डेसिमल के पाई का वैल्यू। ठीक है, तो पाई भी मेरा क्या है? इरेशनल। देख लीजिए, इसमें कुछ है नहीं, बस आपको याद रखना क्या है इरेशनल, क्या नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ठीक है, बस हम लोग इरेशनलिटी को प्रूव करेंगे, जो आपके स्कूल में आएगा भी, बिल्कुल आएगा। इसमें ऐसा कुछ दिखना है, ऐसा नहीं है। तो इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए, जैसे कि आपका क्वेश्चन है प्रूफ दैट रूट टू इज इरेशनल। रूट टू क्या जी? एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, इसको कैसे प्रूफ करेंगे? तो इसको प्रूफ करने का मात्र एक तो तरीका यह है कि इसका लॉन्ग डिविजन मेथड निकाल लें और दिखा देंगे कि देखो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। एक तो वो तरीका है, लेकिन स्कूल में मानेगा नहीं तो आपको थ्योरेटिकल वे में करना पड़ेगा। तो इसको जो प्रूफ करने का तरीका है उसको हम लोग कहते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब हम कुछ मान ले, अज्यूम कर लिए, बात बोल दे कि जो हम लोग अज्यूम किए थे वो गलत, इसलिए ये ऐसा ही कुछ होता है। तो ये बोला इरेशनल बोला ना, चलो हम मान लिए, चलो इरेशनल नंबर है। क्या मान लिए जी? इरेशनल नंबर है। बाद में स्टेप से प्रूफ कर रहे हैं कि देखिए रैशनल तो संभव ही नहीं है, इसका मतलब हम लोग जो माने थे रैशनल वो क्या है? गलत है, इसलिए इरेशनल है। इसी को कहते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। सबको समझ आ रहा है? यस सर, यस। कुछ नहीं है सर, यस सर। हम लोग बोलेंगे रैशनल है,
बाद में बोल सकता बेचारा रैशनल तो हो नहीं, रैशनल जब हो नहीं सकता जो हम लोग मतलब जो रैशनल माने थे वही क्या है गलत, इसी को इसलिए इरेशनल है, ऐसे करके प्रूफ करेंगे। ठीक है देखते हाँ तो मान ले तू मान लिए क्या लेट हम लिख रहे हैं टेंशन मत लो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लेट रूट टू बी अ रैशनल नंबर। हम कोशिश करेंगे कि ऊपर ना लिखे यहीं पे नीचे नीचे हो जाए, इसको दो भाग में बांट लेते हैं। आप लोग ये दोनों दिख रहा है ना? ये सब दिख रहा है। अगर yes, कोई रैशनल नंबर माने तो कोई रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, पी बाई पी का फॉर्म होता है बच्चों बोलो तो है ना? यस सर। अब पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है, इसका कंडीशन क्या था, पी और क्यू इंटीजर होना चाहिए और क्यू क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए है ना? लेकिन एक तीसरा कंडीशन भी था, याद है तीसरा कंडीशन, कॉमन फैक्टर क्या होगा? देयर शुड हैव कॉमन फैक्टर ओनली वन वन नो नो यही होगा, क्या लिखेंगे पी क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, क्या लिखेंगे पी एंड क्यू हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, मतलब वन को छोड़कर कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ओनली वन होगा, दोनों कंडीशन याद है। ठीक है चलो इसको अब सॉल्व करते हैं, ये दोनों कंडीशन लिख दी, अब आप लोग कैसे सॉल्व करोगे कुछ नहीं करो, इसका स्क्वायर करो, क्या करोगे जी स्क्वायर, स्क्वायर करो तो यहाँ क्या हो जाएगा टू हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो टू को उधर ले जाएंगे, ऐसे लिख सकता है बोलो हाना? यस सर साइन चेंज, साइन चेंज, साइन चेंज कर दिए कुछ नहीं किया। अब देखो ध्यान से देखो, देखो टू मेरा क्या प्राइम नंबर है, क्या है प्राइम नंबर, एक थ्योरम था वो हम थ्योरम बताए नहीं, थ्योरम ये है कि अगर कोई नंबर का यहाँ यहाँ दिख रहा है यहाँ कर ध्यान लिखते हैं, वो थ्योरम ये कहता है कि मान लीजिए कोई नंबर है उसका कोई प्राइम नंबर है, मान लीजिए कोई इसको कैसे हम लोग मान लीजिए कोई नंबर है कोई ए, ए मेरा नेशनल नंबर है ठीक, और कोई प्राइम नंबर है पी, क्या है कोई प्राइम नंबर है पी और एक है नेशनल नंबर, तो अगर कोई नेशनल नंबर का स्क्वायर पी अगर डिवाइड करेगा कोई नेशनल नंबर का स्क्वायर, तो अगर पी डिवाइड किया इसका मतलब पी उस नेचुरल नंबर को भी डिवाइड करेगा, समझ गए? अब ये क्या है एग्जांपल से समझते हैं, टेंशन मत लो, नंबर लो मान लेते हैं छह लेते हैं, ठीक है क्या लेते हैं छह, छह कैसे होता है 36, तो पूरी प्राइम नंबर दो है तीन है पांच है, क्या ये 36 होता है 18 बार 36 होता है, अगर कोई नंबर का स्क्वायर कोई प्राइम नंबर से डिविजिबल है मतलब वो जो ओरिजिनल नंबर है वो भी प्राइम नंबर से डिवाइड होगा कि नहीं होगा बोलो तो, होगा यस सर, ठीक है स्क्वायर था जी डिवाइड हुआ तो ये भी तो टू होगा ना, होगा यस सर। अब कोई और एग्जांपल लेते हैं सर, मान ले 49 डी भी बोल रहा है यस सर, 7 लेते हैं, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49 49 कोई प्राइम नंबर से डिवाइड करो तो कौन प्राइम, 2 से तो डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 से भी नहीं हो रहा, 5 से नहीं हो रहा, लेकिन 49 7 से डिवाइड होगा ना, होगा सर, तो 7 पक्का वो किसका स्क्वायर करने से हुआ, ये थ्योरम यही है कोई नंबर का स्क्वायर अगर कोई प्राइम नंबर डिवाइड करता है तो वो ओरिजिनल नंबर को भी प्राइम नंबर डिवाइड करेगा, यही है इसका थ्योरम, कुछ नहीं है। ठीक है मैं खाली साइड में थोड़ा सा लिख देता हूँ कि कोई प्राइम नंबर किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर को अगर डिवाइड करेगा तो प्राइम नंबर उसको ओरिजिनल नंबर को भी डिवाइड करेगा। ठीक है यहाँ से देखो तो ये क्या पी स्क्वायर बाय टू है कि नहीं, देखो तो प्राइम नंबर है इसका मतलब क्या पॉसिबल है, यहाँ पे क्या लिखेंगे टू डिवाइड पी स्क्वायर, टू डिवाइड पी स्क्वायर डिवाइड कर रहा है, तो अभी हम लोग पढ़े थे कोई नंबर को प्राइम नंबर डिवाइड करे इसका मतलब वो क्या होगा वो उसको भी डिवाइड करेगा, पी को भी डिवाइड करेगा, करेगा नहीं करेगा
ठीक है, करेगा करेगा भाई। तो अगर मम्मी को यहाँ से देखो पी किसको डिवाइड करते हैं हम लोग, हमको बस मेरा पर्पस क्या है इसका पहले फैक्टर वन है ना, हम लोग उसको वन के अलावा कुछ दिखा देंगे, बाद में बोल देंगे संभव ही नहीं है इसलिए इरेशनल, बस यही दिखाना। तो अगर तो हम लोग यहाँ से ये प्राप्त कर सकते हैं ना, पी को देखो तो कुछ एक और इंटीजर का नाम दे सकते हैं बोलो, टू एम क्योंकि दो डिवाइड कर रहा है पी को, तो टू का मल्टीपल है कि नहीं, तो बस कुछ भी एक नाम दे दिए, पी इज इक्वल टू क्या टू एम, टू का मल्टीपल है तो टू इंटू समथिंग हो ही सकता है क्योंकि टू से डिवाइड हो रहा है, हो रहा है कि नहीं। इस इक्वेशन में हम लोग ऐड कर देंगे इस वाले इक्वेशन में, ये गलत है, सबको यहाँ तक समझ में आया, बोलो हाँ ना। हाँ सर, थोड़ा थ्योरेटिकल है इसलिए। यस सर, यस सर। हाँ, इक्वेशन वन का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ से देखो इक्वेशन वन का इस्तेमाल करेंगे, इक्वेशन वन क्या ये है, p के जगह पुट कर देंगे 2m, यहाँ क्या q स्क्वायर है, जो p स्क्वायर है ना, p स्क्वायर के जगह क्या 2m, 2m का सब कितना जाएगा 4m, 2m स्क्वायर बाय विदाउट नो सर ये कितना हो जाएगा जी 4m स्क्वायर बाय 2 कट गया कर गया कितना बचेगा, यहाँ से देखो यहाँ क्या स्क्वायर आ गया, यहाँ क्या आ गया जी 2m स्क्वायर आया, आ गया यहाँ से देखो। अच्छा पहले इतना लिख लो, पहले इतना लिखो, पहले स्पेस कम पड़ रहा है, इतना लिखो, यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, तो 2q स्क्वायर को डिवाइड करेगा मतलब 2q को भी डिवाइड करेगा, अब 2p को डिवाइड किया 2q को डिवाइड किया तो मतलब मेरा 2 कॉमन फैक्टर हो गया ना, तो हम लोग मान के चले थे कॉमन फैक्टर 1 होगा लेकिन हम लोग क्या ले आए 2 ले आए, इसलिए वो इरेशनल है, इसी को कहते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, बस दैट्स इट। नहीं गलत और मारा सबको, यस सर, इतना लिख लीजिए थोड़ा सा। ये इसलिए ये देखो देखो, अरे कोई भी नंबर तो से डिवाइड है कि नहीं डिवाइड है, डिवाइड है 36 तो फिर 2 का मल्टीपल मिल नहीं सकता, डिवीजन तो 36 को 2 का मल्टीपल तो 2 into 18 मिल सकते हैं, बस वही है, तो बस वही अगर 2p को डिवाइड कर रहा है तो p को हम लोग 2 का मल्टीपल लिख सकते हैं, तो m कुछ भी हो सकता है, यहाँ 18 है 8 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो सर वो m जो है वो 18 m क्या है 18 अदर सर जो आप एग्जांपल m है कोई भी इंटीजर एनी इंटीजर नहीं तो सर वो नहीं कह रहा ये ऐसे आप ऊपर एग्जांपल दिए ना 36 इक्वल्स टू 2 * 18 तो बच्चों को थ्योरेटिकल थोड़ा पसंद नहीं आता है लेकिन एग्जाम में आएगा, ठीक है बच्चों लिख लीजिए, बोर्ड में तो आता ही है ये, तो आप लोग तो आईसीसी में हो, टेंथ में तो ये सीबीसी में आया, टेंथ में तो नाइन सर। कितना मार्क्स तक का क्वेश्चन आ सकता है, ये वाला क्वेश्चन 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का आता है। ओके बुक में थ्योरी होता है तो बच्चे लोग जल्दी समझ में नहीं पाता है, तो लिखा होगा तो बोल हो गया सर, यस हो गया, यस सर, मैं रब करता हूँ, ठीक है। तो एक चीज यहाँ ध्यान क्या था, तो टू है टू भी फैक्टर हो गया, चलो अब यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे, यहाँ से देख सकता
ये वाला इक्वेशन यहीं पे ले जा रहे हैं, क्यू स्क्वायर बाय टू इज इक्वल टू एम स्क्वायर, बस टू को कुछ नहीं किया, तो टू डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, मतलब क्या है इसका मतलब, वो नंबर प्राइम नंबर को डिवाइड, तो अभी हम लोग क्या देखे, टू किसको डिवाइड किया, p को डिवाइड किया, टू किसको दोनों को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब टू क्या है मेरा कॉमन फैक्टर है p और q का, है ना, यहाँ पे लिख देंगे देयर फॉर टू इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड p एंड q, तो टू मेरा क्या होगा कॉमन फैक्टर हो गया, जा हम लोग शुरू में लेके चले थे वन एक कॉमन फैक्टर हो गया, तो लेकिन क्या लिया है टू भी लिया है, इसका मतलब जो हम लोग अज्यूम किए थे वो क्या मेरा गलत, क्या है गलत है, इसलिए नंबर रैशनल नहीं, क्या होगा इरैशनल, बस यही है हमारा गलत है, यहाँ पे लिखते हैं दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन, क्या लिख देंगे दिस, ऐसे लिखेंगे कॉन्ट्राडिक्ट्स, कॉमन फैक्टर, लेकिन हम लोग क्या है टू लिया, इसका मतलब हम लोग जो अजम्प्शन किए तो गलत, दैट दैट रूट टू इज रैशनल, हम लोग यही अजम्प्शन किए था ना रूट टू क्या है रैशनल है, वो तो गलत हो गया, हेंस रूट टू इज इरैशनल, बस ऐसे ही प्रूफ करते हैं, hence root 2 is irrational number, proof this contradicts our assumption that root 2 is rational, rational क्यों हम लोग मानते हैं, क्योंकि हम लोग लिखे थे वन ही कॉमन फैक्टर होगा, लेकिन क्या लिया है हम लोग root 2 is irrational, same proof बस, ये जो क्वेश्चन किया है ना बिल्कुल सेम थ्री रूट टेन जो भी बोलेगा बिल्कुल लिख लिए सर, वेरी गुड, कोई डाउट बच्चों, नो सर, एक बार करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, तो जो अभी लिख रहा होगा तो लिखो, अब करते हाँ सर, हाँ कर दीजिए सर, आप कर दीजिए, मान लीजिए इसका कोई अगला क्वेश्चन तो मान ले ऐसे बोल देते रूट फाइव, क्या बोलेगा जी रूट फाइव इज रैशनल, तो बिल्कुल सेम से प्रूफ करना है, पहले क्या मान लेंगे रैशनल, क्या मान लेंगे रैशनल, अगर रैशनल मान लेंगे तो क्या हो जाएगा किस फॉर्म में हो जाएगा पी बाय क्यू, और क्यू क्या होना जीरो नहीं होना चाहिए, ओनली वन कॉमन फैक्टर होना चाहिए, फिर वैसे ही करेंगे स्क्वायरिंग करेंगे, हम लोग अभी जल्दी भी कर रहे ठीक है, देखो तुम फाइव को इधर लिया उसको इधर लिया, क्यू स्क्वायर इज इक्वल पी स्क्वायर बाय देखो तो फाइव प्राइम है, यस सर यस सर, देखो यहां से यस सर पी स्क्वायर, तो अगर फाइव पी स्क्वायर को डिवाइड पी स्क्वायर को यस यस सर मल्टीपल हुआ, लेंगे p इज इक्वल टू कोई भी 5m ले लेंगे, डिवाइड हो रहा है वही वाला एग्जांपल है, तुम देखो देखो तो कोई चीज किसी को देखो देखो इनका मल्टीपल मिल सकते हैं, देखो बस वही कारण है कुछ ठीक है, बस वही है, तो इसको इसको ले लेंगे इक्वेशन वन, अभी इक्वेशन वन में ये वाला वैल्यू क्या कर देंगे बिल्कुल एक पुट करो q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या
पी स्क्वायर बाय फाइव यही है ना जी, और पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 5m, तो 5m पुट कर रहे हैं आपने 5m का होल स्क्वायर बाय i, कितना हो गया पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25m स्क्वायर बाय i, कड़िया 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 5, तो यहाँ पे m स्क्वायर पांच आ गया, 5 से डिवाइड कर दो, देखो फिर दिख रहा है 5 किसको डिवाइड कर रहा है q स्क्वायर को, मतलब 5 किसको डिवाइड करेगा q को डिवाइड करेगा, हाँ वेरी गुड, 5 डिवाइड अगर कर रहा है q स्क्वायर तो 5 किसको डिवाइड करेगा q, अभी हम देखे डिवाइड किया p को, 5 डिवाइड किया q को, इसका मतलब 5 हो गया कॉमन फैक्टर हो गया, लेकिन हम लोग तो माने थे रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर में कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए ओनली 1, मेरा 5, इसका मतलब हम लोग जो अज्यूम किए थे वो क्या मेरा गलत, वेरी गुड, लिख लीजिए कॉपी में, लिखिए आप इस वर्ड में लिखिए बाद में जैसा लिखिए सर, वेरी गुड, ठीक है बहुत अच्छा, जल्दी सीख गए, आपको तो डाउट था कि सीख सिखा पाएंगे यहाँ से, थैंक यू सर, खाली एक ही बच्चा सीखा और बाकी सर सर हो गया सर, सर जस्ट क्लियर जुड़ बोलेंगे ये, लेकिन 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 वेरी गुड, ये यहाँ पे एक्सरसाइज 1.2 का भी सारा क्वेश्चन हो जाएगा, एक क्वेश्चन का यूनिट ऑफ कर देते हैं अभी, ठीक है दो टाइप का क्वेश्चन खाली बचा है, एक है यूनिट टाइप का, मेरे ख्याल से हो चुका सबसे, मैं मिटा दूं, यस सर एक मिनट, एक मिनट मिटा दीजिए सर, ठीक है एक क्वेश्चन है प्रूफ करना है कि ये मेरा इरेशनल है, क्या है जी इरेशनल हो जाएगा, सबसे हो जाएगा क्या मान लेंगे p by q और वन क्यू क्या है जीरो है, कंडीशन क्या है क्यू मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो और ओनली वन इज द कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू, ओनली खाली पी एंड क्यू सेम वही स्क्वायरिंग कर दिया, इसको अब इधर ले जाओ पी स्क्वायर ही रहेगा, इसको क्यू स्क्वायर रखा, क्यू स्क्वायर को इसका मतलब 11 किसको डिवाइड करेगा क्यू को, 11 लिख देंगे डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, कोई प्राइम नंबर अगर किसी का स्क्वायर पर डिवाइड करता मतलब प्राइम नंबर, ठीक है इसके बाद अगला स्टेप यहाँ से क्या होगा, इसका अगला स्टेप होगा यहाँ से क्या मान लेंगे क्यूब, क्या मान लेंगे जी क्यूब को मान लेंगे 11 है, क्या मान लेंगे 11 है, क्योंकि 11 का मल्टीपल है डिवाइड हो रहा है, अब ये वाला वैल्यू किसे पुट कर देंगे इस वाले इक्वेशन में, नहीं है बिल्कुल और रटा रटा जैसा है, तो q स्क्वायर यहाँ q की जगह क्या 11 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 11m का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा 121m स्क्वायर बाय 11, कट रहा है कट रहा है 11 आ गया, तो 11m स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर, 11 को उधर डिवाइड ले जाओ, m स्क्वायर इक्वल टू क्या आया p स्क्वायर बाय 11, दिखा 11 किसको डिवाइड कर रहा है p स्क्वायर को, 11 किसको डिवाइड करेगा p को, है ना जी p को, हां 11 डिवाइड्स कर देंगे p स्क्वायर, 11 किसको डिवाइड करेगा p को, सर इधर कॉमन फैक्टर 11 डिवाइड किया q को, 11 डिवाइड किया p को, 11 कॉमन फैक्टर आ गया, कॉमन फैक्टर मेरा तो हम लोग 1 ही माने थे लेकिन यहां दूसरा आ गया, इसका मतलब हम लोग जो माना था वो क्या है बिल्कुल गलत, वेरी गुड लिखिए
hence this is a irrational number. आज के लिए इतना ही, ठीक है बच्चों? ठीक है सर. आप लोग अपना बुक का एक्सरसाइज जो है वो 5, 7, 8 छोड़ देना है, बाकी सब हो जाएगा. ठीक है, वो भी आसानी है. 5, 7, 8 एक्सरसाइज 1.2 का. हाँ, 1.1 और 1.2 हो जाएगा सारा यहाँ से. हाँ सर, सारा हो जाएगा. 1.2 यहाँ से आपका सारा हो जाएगा. ठीक है. हाँ सर. हाँ सर, एक होमवर्क देंगे जो आपको करना. देख लीजिए पहले. लिख लिए सर. वेरी गुड सर. 1 मिनट. ओके ओके. लिख लिया सर. लिख लिया. लिख लिया. ओके. यस सर. हो गया. हो गया, बैठा दे. यस सर. अब एक तो हम होमवर्क देते हैं आप लोग के लिए. होमवर्क वैसे आपका बुक से सारा हो जाएगा, बुक का ही क्वेश्चन है, लेकिन आप आपको प्रूफ करना है. ये आपको पहला क्वेश्चन दिया मेरा, दे रहा हूँ. इसको प्रूफ करना है क्या है, इरेशनल नंबर प्रूफ करना. अब थोड़ा सा ये पता है, ये जो क्वेश्चन है ये अभी जितना करवाए उससे आसान है. आपको बड़ा नंबर कैसे करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन ज्यादा आसान है पिछला वाला से. पिछला वाला जितना लिखना पड़ता उतना लिखना भी नहीं पड़ेगा. ठीक है, ये क्वेश्चन ज्यादा आसान है. और तो कुछ एक सेकेंड. और आपका ये तो चलो, और कुछ नहीं बचा. ठीक है बच्चों, ये आपको करना है. ठीक है, एक्सरसाइज. ठीक है सर. आपका 1.1 और 1.2 सारा हो जाएगा. ठीक है.